महतो को विधायक बनाना है या नहीं बनाना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है, ऐसी आवाज होती है भाई। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाओ दोनों हाथ, मैदान में खुले खड़े हैं वो भी उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, श्री राम जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और यहां के सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी, अरे सब सेट हो जाएगा यार, चिंता मत करो, सुनो आवाज मेरी बड़ी है, हेमंत सोरेन तक जाएगी। श्रीमान ढुल्लू महतो जी, बहन शारदा सिन्हा जी, श्री रणजय सिंह जी, बहन परिंदा सिंह जी, श्रीमान धनेश्वर महतो जी, गौरचंद बाउरी जी, शेखर सिंह जी, बच्चू राय जी, बहन सरिता देवी जी, उमेश प्रधान जी, आरती देवी जी, महेश पासवान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई शत्रुघ्न महतो जी, जोर से ताली बजाओ। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, ये 20 तारीख को आप सभी ने झारखंड विधानसभा के लिए वोट करना है, और इसलिए मैं वाघमारा विधानसभा में शत्रुघ्न महतो के प्रचार में आया हूं। सबसे पहले जैनियों के महान तीर्थ पारसनाथ पहाड़, मारंग बुरो और छोटा नागपुर की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करकर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, इस 20 तारीख को आपको कमल के निशान पर वोट देना है। देंगे ना? पक्का देंगे? देखो मैं कहकर जाता हूं, 20 तारीख को कमल पे निशान पर वोट इसलिए नहीं देना है कि जेएम की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी, इसलिए नहीं देना है कि हेमंत सोरेन की जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठाना है, इसलिए देना है कि जो भ्रष्टाचार यहां चालू किया है उसको रोकने का काम करना है, रोकने का काम। वाघमारा वालों, मुझे बताओ, कभी भी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ किसी ने देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? ये माताएं बहने भी बताए, देखा है क्या? पूरे झारखंड में किसी ने 350 करोड़ रुपया नहीं देखा होगा, मगर ईडी ने रेड करी, कांग्रेस के सांसद के वहां
वहां से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 350 करोड़। अब पकड़ने को तो पकड़ लिया, गिने कैसे? रांची में जितनी भी नोट गिनने की मशीनें थी वो सारी मशीन इकट्ठी करी तो 27 मशीनें मिली। 27 नोट गिनने की मशीन 24 घंटा गिनती रही, गर्म हो गई, मगर 350 करोड़ रुपया समाप्त नहीं हुआ भाई। मुझे बताओ बागमारा वालों, ये 350 करोड़ रुपया आलमगीर आलम के घर से पकड़ा गया, 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा जोर से बोलो किसका है, किसका है? ये हेमंत सोरेन समझते हैं कि ये पैसा उनका है, उनका नहीं है। मोदी जी ने जो 4 लाख करोड़ रुपया करीब करीब 3,90,000 करोड़ भेजा, वो आपका पैसा है, हमारी बच्चियों का, युवाओं का पैसा है। जो हेमंत सोरेन सरकार उनके चट्टे बट्टे खा गए, ये समझते हैं कि पैसा हम नकार कर जाएंगे। कान खोल कर सुन लो जेम वालों, एक एक पाई मेरे झारखंड के पिछड़ा वर्ग की, आदिवासियों की, दलित की, युवाओं की, माताओं की, एक एक पाई आपको देनी पड़ेगी। आपको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज कह कर जाता हूं झारखंड के गरीबों का हड़पा हुआ एक एक पाई झारखंड की तिजोरी में जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब विकास की भी बात करना चाहता हूं। एक प्रकार से हमारा झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य, क्योंकि झारखंड की भूमि में इतना खनिज भरा है, इस्पात भरा है, कोयला भरा है, एल्यूमिनियम भरा है, कि देश का सबसे समृद्ध राज्य हमारा झारखंड है। झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी समृद्ध नहीं, क्योंकि यहां विकास का काम होता ही नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, शत्रुघ्न महतो को जिता दो, 5 साल में हम झारखंड को देश में, झारखंडियों को भी देश में सबसे समृद्ध बनाने का काम करेंगे। सबको समृद्ध, हमारे झारखंड से अनेक युवा देश भर में मजदूरी के लिए जाता है। मैं झारखंड के युवाओं को वादा करने आया हूं, खनिज यहां है तो फैक्ट्रियां भी यहां लगेगी, कोयला यहां है तो बिजली भी यहां बनेगा, और यहां पर एक ऐसा उद्योग का वातावरण करेंगे कि हमारे युवाओं को, युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप छोड़कर झारखंड के बाहर रोजगारी लेने के लिए नहीं जाना। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारा काम किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, हर गरीब को घर दिया, बिजली पहुंचाई, पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, और हर गरीब को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
झारखंड के गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई, और अब गरीब छोड़िए, हर आय वर्ग के 70 वर्ष से ज्यादा जिनकी आयु है वो बुजुर्ग को 5 लाख तक का और इलाज मुफ्त में करा देंगे, तो 10 लाख तक का इलाज एक परिवार में फ्री होगा। और मोदी जी 10 साल तक लगातार झारखंड की भूमि को ही गरीब कल्याण का माध्यम बनाए। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई तो यहीं से हुई, गरीबों को लोन देने की योजना मुद्रा योजना लॉन्च हुई तो यहीं से हुई, पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई तो यहीं हुई, और लाखों करोड़ों रुपया झारखंड के विकास के लिए। आज मैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, जानते हो नहीं जानते, जानते हो ना भाई, ये राहुल बाबा, लालू जी और हेमंत सोरेन जी से पूछना आया हूं। 10 साल तक आपकी सरकार सोनिया मनमोहन की झारखंड में चली और वहां भी चली। 10 साल में आपने लालू जी, राहुल बाबा, आपकी माताजी ने कितना रुपया झारखंड को भेजा? सिर्फ 84,000 करोड़। 10 साल में 2004 से 14 के बीच में 84,000 करोड़ रुपया भेजा। कितना भेजा? अरे जोर से बोलो, कितना भेजा? और मोदी जी ने 14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी। और इसके साथ साथ और 81,000 करोड़ रुपया और 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा है। वाघमारा वालों मुझे बताओ, आपके गांव में पैसा आया है क्या? अरे जोर से बोलो ना, आया है? कहां गया भाई, कौन खा गया? अरे जोर से बोलो, कौन खा गया? ये 350 करोड़ रुपया और 35 करोड़ मिला, ये आपका ही है, आपका ही है। मैं आज वादा कर जाता हूं, आपकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको लौटाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, लौटाने का, भाइयों बहनों, हम रोड पर जाते हैं, बिजली के बड़े बड़े वायर ऊपर, हाई टेंशन के वायर दिखाई पड़ते हैं ना, दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते? वो सीधा आपके घर में बिजली डाल सकता है क्या? डाल सकता है? घर जल जाएगा हमारा, सीधी तो नहीं आती ना करंट, तो क्या चाहिए? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए। क्या चाहिए? तो मोदी सरकार HT लाइन से ये विकास का जो पैसा भेजती है, इसका ट्रांसफॉर्मर कौन है? ये हेमंत सोरेन की सरकार है, JMM की। मगर ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है। अब मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो। ये झारखंड के अंदर JM की सरकार को और डबल इंजन सरकार बनाओ, पाई पाई आपके गांव तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। ये JM और राहुल बाबा ने हमारे देश को जातियों में बांटने का काम किया है। ये जाति फला जाति ढीका जाति, मोदी जी ने 4 ही जाति बनाया। एक जाति गरीबों का जाति, दूसरा जाति युवाओं का जाति,
तीसरी जाति माताओं बहनों की बच्चियों की जाति, और चौथा जाति किसान का जाति। मोदी जी ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सम्मान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बताओ भाई, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है, वो सारे उलेमा राहुल बाबा को मिलने गए, उनके अध्यक्ष नाना पटोले को एक आवेदन पत्र दिया। आवेदन पत्र में कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। अब भाई 50% आरक्षण हो गया है, मुसलमानों को देना है तो किसी का काटना पड़ेगा, समझ गए आप, किसी का कम करोगे तो ही दे सकते हो। तो अब उन्होंने कहा हम देंगे, उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में दे भी दिया, तो कैसे दिया, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण कम कर मुसलमानों को दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए। दलित का कम करना चाहिए, आदिवासियों का करना चाहिए और मुसलमानों को देना चाहिए। अरे जोर से बोलो, देना चाहिए। आप चिंता मत करो, शत्रुघ्न महतो को जिता दो, राहुल बाबा की चार पीढ़ी आएगी तो भी आपके आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, 1955 में एक कमीशन बना, काका साहेब कालेकर कमीशन, जिसने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की, कांग्रेस ने नहीं मानी। बाद में मंडल कमीशन बना, इसकी सिफारिश भी इंदिरा ने नहीं मानी। मोदी जी ने आते ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र के हर एडमिशन के अंदर, डॉक्टरी का हो, इंजीनियर का हो, सैनिक स्कूल का हो, 27% रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और हमारी सरकार में 30% पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों को रखने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र भाइयों बहनों, ये वक्फ बोर्ड जो है, ये किसी न किसी की जमीन को हड़प लेता था, और कर्नाटक में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव वक्फ की संपत्ति कर दिया। गांव वालों के मकान, किसानों की भूमि, मंदिर, ये सारा सारा वक्फ की प्रॉपर्टी किया। अब मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हेमंत बाबू ना बोलते हैं, राहुल गांधी भी ना बोलते हैं, मैं आपको बताकर जाता हूं, ये जितना विरोध करना है इतना करे, वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल भारतीय जनता पार्टी पारित करेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? धीरी आवाज राहुल गांधी जी सुन लेंगे तो कहीं और दे आएंगे। जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? भाइयों बहनों, धारा 370 हटाने का बिल लेकर मैं जब खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा
लालू प्रसाद की पार्टी, ममता की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, सब काउ 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 काउ, मत हटाइए मत हटाइए। मैंने पूछा कि भाई क्यों ना हटाए, हमें बताओ क्यों ना हटाए, तो उन्होंने कहा आप अगर वो हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां। अरे राहुल बाबा 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने। कश्मीर में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया है कि धारा 370 वापिस लाएंगे। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, आप तो क्या, इंदिरा जी भी फिर से आएगी, 370 वापिस नहीं। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जोर से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था। 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और जय श्री राम करकर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। 550 साल के बाद रामलल्ला ने दिवाली अपने मंदिर में मनाने का काम किया है, दिवाली अपने मंदिर, और सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी मोदी जी ने बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरा करती है। अभी अभी कांग्रेस के नेता खड़गे जी को कहना पड़ा कि भाई वादा ऐसा करो जो पूरा हो। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में वादे किए पूरे नहीं होते, मगर झारखंड वालों आप सभी जानते हो नरेंद्र मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, पत्थर पर लकीर। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मैं आपको बताता कर जाता हूं, इतनी सारी माताएं बहनें बच्ची आई है, हर वयस्क माता बहन को 2100 रुपया प्रति महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम। देश में गैस का दाम जितना भी हो, झारखंड की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपये में। और दीपावली और रक्षाबंधन को हर बहन को 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। खेडूतों का दान, किसानों का दान 2100 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाएगा, गरीब के घर के लिए बालू मुफ्त दिया जाएगा। और हेमंत ने वादा किया था युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, युवाओं मिला है क्या? अरे जोर से बोलो मिला है। चिंता मत करो, शत्रुघ्न मातों को जिता दो, हर महीना बेकारी भत्ता 2000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। माताएं बहने जो प्रॉपर्टी खरीदती थी उसमें 50 लाख तक 1 ही रुपया स्टैंप ड्यूटी थी, ये हेमंत जी ने बंद कर दिया। आप चिंता मत करो, हम प्रॉपर्टी जो आप खरीदोगे इसका स्टैंप 1 रुपया कर देंगे, माताओं बहनों को स्टैंप ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, विधवाओं का, दिव्यांगों का,
और वृद्ध का पेंशन हम बढ़ाकर 2500 रुपये कहेंगे और ये लोग एक झूठ चला रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो आदिवासी को तकलीफ पड़ेगी। मैं आपको बताने आया हूं, हमने तय किया है कि यूसीसी तो जरूर आएगा, झारखंड में आएगा, आपकी घुसपैठ रोकने के लिए आएगा, मगर यूसीसी में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा, उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। और अंत में मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों बताओ, आप मुझे बताओ, ये घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे क्या ऐसे बोलते हो, ऐसे घुसपैठ रोकेगी? रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? आप शत्रुघ्न माथुर को जिता दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आदमी छोड़ो, परिंदा भी बांग्लादेश से झारखंड नहीं आ पाएगा। नहीं, और ये जिन्होंने हमारी गरीब बच्चियों से दूसरी तीसरी और चौथी शादी कर उनकी जड़ी जमीनें हड़प ली है, कानून में बदलाव कर वो सारी जमीन, सारी भूमि हमारी आदिवासी माताओं बहनों के नाम पर वापिस कर दी है। और सारे घुसपैठिए को भाजपा सरकार चुन चुन कर ट्रेन भरकर बांग्लादेश वापिस भेज देगी। एक घुसपैठिए को संरक्षण इसलिए दे रहे हैं कि वो उनकी वोट बैंक है, वो डरते हैं, मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं भाई, नहीं डरते हैं। मुझे बताओ वाघमारा वालों, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर डुल्लू मातो को, भाई हमारे शत्रुघ्न मातो को हजारों वोट से जिताओगे क्या? अरे भाई आप भी राहुल बाबा जैसे करते हो, ये 15-20 हजार लोग कहते हैं हजारों वोट से जिताओगे, कैसे जिताओगे बताओ? मैं भी बनिया हूं, मैं जानता हूं यार ऐसे नहीं होता है, कैसे करोगे बताओ? मैं एक आइडिया बताऊं आपको, पहले बोलो करोगे क्या, पक्का करोगे? तो कितने लोगों के पास मोबाइल है हाथ ऊपर करो जरा, है ना सबके पास? ये सभा समाप्त होते ही 20-20 लोगों को फोन करना है, भाई को, भाभी को, माता को, पिता को, बहन को, बहनोई को, पड़ोसी को, भाभी जी को, सबको फोन करना है कि शत्रुघ्न महतो के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर 20 तारीख को बटन दबाना है। मुझे बताओ सभी लोग 20-20 फोन करेंगे? जोर से बोलो करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? शत्रुघ्न माथों को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग उठाए जरा, और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।